नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को हम सफ़र अनुपम यूट्यूब चैनल का एक और भी नया और रोमांच भरा सफ़र में स्वागत। दोस्तों, आज हम जाएंगे वशिष्ठ मुनि का जो आश्रम है कामाख्या गुवाहाटी पे, असम पे, उधर ही जाएंगे हम। देखिए कैसा सुंदर सा नज़ारा। क्रॉस करते हुए हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे वशिष्ठ मुनि के आश्रम पे, जहाँ पे वशिष्ठ मुनि साधना किए थे। और उधर जो भी है, मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, वशिष्ठ मुनि का आश्रम है, सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। वीडियो को तो एकदम अंत तक देखते रहिए। जो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भविष्य में और भी ब्लॉग पाने के लिए। और देखते रहिए ब्लॉग को कंटिन्यू, एकदम पूरा सब कुछ जानने के लिए, ठीक है। तो गाइस, ये वशिष्ठ मुनि का टेंपल हम जो आए हैं दर्शन करने के लिए। ये पार्किंग जोन है, हमारा गाड़ी उधर खड़ी है पार्किंग में, ठीक है। तो वो पूरा जो एरिया है वशिष्ठ का, सब मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखते रहिए। इसके साथ वशिष्ठ मुनि के साथ जुड़ी हुई जो हिस्ट्री है वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एकदम कंटिन्यू देखते रहिए। चलो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। बोलो जय वशिष्ठ मुनि का जय। तो ये देखिए दुकान है मंदिर के बाहर, सब कुछ ये दुकान है, देख सकते हो। और इधर भी दुकान है, दोनों साइड दुकान है मंदिर से। जब मंदिर में आप एंट्रेंस गेट में प्रवेश करोगे, और वो है उधर, उधर में जो है वो है मेन गेट। और मेन गेट के बाहर इतना सारे दुकान है भाई, इतना सारे। देखते रहिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं मंदिर के तरह। ये इधर भी सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ के फिर मणि वशिष्ठ की दर्शन करेंगे हम, ठीक है। और दोस्तों एक बात याद रखिए, जब भी आप यहाँ पर आओगे ना, ये इसको इसको ये जो है ना बंदरिया, ये बंदर को माथे में ध्यान में रख कर आना, बहुत डेंजरस है, ठीक है। और वशिष्ठ मंदिर में ना सभी दिशाओं में सिर्फ बंदर ही बंदर मिलेंगे आपको। ये रहा मंदिर, और ये साधुओं का घर है। ये रहा मंदिर, देखो वशिष्ठ मंदिर, देख सकते हो। देखो इधर में, इधर में इसे नीचे नमना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, फिर ये दर्शन होगा भगवान की। तो देखो चलो फिर नीचे जाते हैं, दर्शन करते हैं फिर। ये देखो यहाँ पर महादेव विराजमान है। महादेव कहाँ कहाँ पे रहती है ना, शिव है ना ये, इसमें है भगवान, इसके अंदर। और ये शिला है वशिष्ठ मुनि का पद चिन्ह, अच्छे से देख लो। ऊपर देखिए, ऊपर तो चलो फिर हम बाहर जाते हैं और क्या मंदिर है दिखाते हैं आप सभी को। देखिए दोस्तों, ये जो भगवान शिव का मंदिर है, उन मंदिरों के पीछे में ना ये झरने हैं, दिख सकते हो झरने। ये एरिया एकदम बहुत बड़ा है, उधर से इधर आप सभी दिख में जा सकते हो, इधर से लेकर। देखिए बहुत बड़ी है जगह दोस्तों। पौराणिक मान्यता के अनुसार दोस्तों, ये जो तीन धाराएं जिधर मिलती है, इसी को कहते हैं पवित्र अमृत कुंड, जहाँ पे ये नदी मिलती है। और ये तीनों नदी का नाम है कांत्या, संध्या और ललिता, जिन तीनों के नाम पे ये रिवर आए हैं और ये झरने आए हैं। कहते हैं कि इसी जल से नहाने से बहुत सारे कठिन रोग ठीक हो जाती है। तो गाइस देख सकते हैं, ये वशिष्ठ मुनि का जो टेंपल है उस साइड है। और देखिए हमारा नीचे भी एक मंदिर अभी बाकी है देखने के लिए, वो भी हम देखेंगे अभी। और
वशिष्ठ मुनि का मंदिर, ठीक है, और बहुत ही सुंदर है। इधर एक झरना है जो इधर से आ रही है, उधर से आके इधर जा रही है झरना, और उधर में ही ना कुछ मंदिर वगैरह है, ठीक है, उधर में भी कुछ मंदिर वगैरह है। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर प्लेस है। तो चलिए फिर उधर जाते हैं, हम नीचे जाते हैं, नीचे जाकर हम मंदिर दर्शन करवाते हैं और मैं भी दर्शन कर लेता हूँ फिर, और फिर जाके हम अगले मंदिर दर्शन के लिए रवाना हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर इधर देखिए एक बड़ा सा मूसक बना हुआ है सीमेंट से, और इधर है देखिए, इधर कौन है, इधर है हमारी वशिष्ठ मुनि। और वशिष्ठ मुनि की जोर देख रही है वो है ये मंदिर जो देख रही हैं आप, ये जो पवित्र मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? गणेश मंदिर है। नैनक गणेश। यह भगवान गणेश जी का मंदिर, ताला लगा हुआ है अभी, जस्ट दर्शन कर लो ऊपर से। वो देखिए वो घुस गया था, ये भगवान गणेश जी का मंदिर। दिख रहे हो ये भगवान गणेश मंदिर। और ये है कुछ ऐसा, इधर मूसक है एक बड़ा सा, इधर भगवान वशिष्ठ मुनि, और इधर बंदर। चलो ये मंदिर भी दर्शन कर लिया हम, और फिर चलो अगले मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो गणेश मंदिर है ना, इस मंदिर के साइड में जो है मेनली ये झरना है, ठीक है, ये झरना शायद फोटो खींचने के लिए रखा गया है, लेकिन उधर तो और कुछ नहीं है शायद, हाँ शायद नहीं है उधर और कुछ नहीं। और अब लोग देख रहे हैं यहाँ का जो नज़ारा है ना, वो नज़ारा एक बात में क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। देखिए पहाड़ों में ऊंचा ऊंचा पहाड़ में घर है, देखिए कैसे दीके। दीके दोस्तों उठ के ना फिर से उधर से आने के बाद फिर से इस घर जाना पड़ेगा। देखो एक बंदर। देखिए दोस्तों इधर जा रहे हैं हम, लेकिन क्या है कुछ पता नहीं, देख लेते हैं कि इधर क्या है। हवा हुआ है जिसके कारण क्या अवस्था, क्या क्या सिचुएशन है, एक बार देख लो फिर। इधर पिकनिक करने के लिए रखा है वो जगह, वो देखिए वो जगह पिकनिक करने के लिए रखा है। और यही है मेन मंदिर, मैंने पहले ही आपको दिखा दिया कि यही मेन मंदिर है, ठीक है। और उधर एक मंदिर है गणेश जी का, और कुछ मंदिर नहीं है यहाँ पर, बाकी तो सब देखने लायक है। बहुत बंदर है इधर। सो गाइस, भगवान वशिष्ठ मुनि का जो ये आश्रम था, जो ये धाम था, पवित्र धाम था, वो हमने दर्शन कर लिए और आप सब भी दर्शन कर लिए हैं। तो भगवान वशिष्ठ मुनि का जो मंदिर परिक्रमा था वो हमारा सफल हो गया, और अब भी दर्शन कर लिए
तो ये कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलना कि ये जगह और भी परिचित हो जाए लोगों से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारा भाई का चैनल है ब्लॉग, और भी ब्लॉग देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप सभी का ये वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।